तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक और बिगनर लोगों के लिए जो वेबसाइट तो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास होस्टिंग के पैसे नहीं है और डोमेन के पैसे नहीं है। तो उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूंगा, उनको एक एक स्टेप से गाइड करूंगा ताकि अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। आपने सबसे पहले ये ज़ैप क्या लिखा हुआ है, आपने XAMPP को सर्च करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें आपको ये नज़र आ रहा है फॉर विंडो, फॉर विंडो वाली फ़ाइल को क्लिक करना है तो आपके पास ये वाली फ़ाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड। एक स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। आपने क्या लिखना है गूगल के ऊपर, wordpress.org, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे आपके पास wordpress.org की वेबसाइट होगी, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी वर्डप्रेस की फ़ाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड। तो आपने दो चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपके सामने ये दो चीज़ें आ जाएंगी, ये वर्डप्रेस डाउनलोड होके आ जाएगी और ये आपके पास XAMPP की फ़ाइल डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी। इन दो चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने डाउनलोड वाली फ़ाइल में जाओगे तो ये दोनों चीज़ें आपके पास पड़ी होंगी, एक ज़ैप और एक ये वर्डप्रेस। तो आपने करना क्या है, तो आपने इस XAMPP को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर यस कर देना है। मैं आपको ये देखें, ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है और आपके पास ये वार्निंग आ जाएगी। आपने इसे परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्ट इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको फोल्डर बता रहा है ना, प्लीज़ चूज़ अ फोल्डर टू इंस्टॉल ज़ैप। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है, सी ड्राइव में इसे इंस्टॉल नहीं करना। कई दफ़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी ड्राइव ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद इस ड्राइव में हम जाते हैं तो हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में आपने क्या लिख देना है, XAMPP। इस फोल्डर का नाम क्रिएट कर देना है। तो हम इस ड्राइव के अंदर इस फाइल को क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास कौन सी ड्राइव थी, ई ड्राइव। इसके अंदर हमारे पास फोल्डर था, ये आपको नज़र आ रहा है ना, XAMPP। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये इंस्टॉलिंग थोड़ी सी टाइम लेगी, तो इस इंस्टॉलिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। Approximately 10 hours later. हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास चेक लगा हुआ है ना, जब आप यहाँ पर फिनिश करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो ज़ैम सॉफ्टवेयर है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर करना है फिनिश। जब हम फिनिश करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। इसके अंदर आपको ये अपाची और MySQL लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है डेटाबेस की बेसिकली दो लैंग्वेजेस। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, स्टार्ट। सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरी को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम दोनों इन दोनों को स्टार्ट करना है। जब भी आपने अपनी इनिशियल वेबसाइट को, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपने उसको चलाना है तो आपने इन दोनों लैंग्वेजेस को क्या कर देना है, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसको बंद नहीं करना, इसको आपने ऐसे मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, मिनिमाइज़ जब आप कर देंगे, एक स्टेप हो गया ये हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आ जाना है डाउनलोड्स में, जहाँ पर ये वर्डप्रेस की फ़ाइल जो डाउनलोड करनी है, इसको आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ज़ैप का जो हमने फोल्डर बनाया था इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आपने htdocs के नाम का एक फोल्डर ढूंढना है, वो ये है। आपने इसको क्लिक करना है और जो हमने वर्डप्रेस की फ़ाइल को कॉपी किया है आपने यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वर्डप्रेस का फाइल का जो फोल्डर है वो आपके सामने यहाँ पर
सामने आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, जब ये फोल्डर हमारे सामने आ जाएगा, ये आ गया फोल्डर, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अभी कुछ भी नहीं करना, इसको ओपन भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पर आ जाएगा, इसका नाम आपने चेंज कर देना है। नाम वो चेंज करना है जिस नाम की आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ स्कूल की, मैंने स्कूल लिख दिया, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना, ये मैंने स्कूल लिख दिया। अब यहाँ पर आपका हो गया काम ख़त्म। अब आपने यहाँ पर आ जाना है अपने गूगल पे। गूगल पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप्स करने हैं। इन तीन स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ऐसे लिखना है। आपने इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपके सामने डेटाबेस ओपन होके आ जाएगी। ये जो हमने लोकल अपनी लोकल होस्ट की डेटाबेस क्रिएट की है ना ज़ैप के थ्रू, वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने ये जो लिखा हुआ आपके पास नज़र आ रहा है डेटाबेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ कि भाई मेरी पास स्कूल में स्टूडेंट आएंगे। तो जो ये आपने इसका नाम भी याद रख लेना है, यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर दी लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में, तो इसका काम क्या हो गया, ख़त्म। आपने अब इसमें और कुछ भी नहीं करना। फिर आपने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम में यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, फिर आपने HT डॉक्स में, जहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद ये हमने HT डॉक्स का, ये हमारे पास फोल्डर ओपन है। इसमें हमने जो हमने अपना फोल्डर बनाया वर्डप्रेस का, उसका क्या नाम है, स्कूल। तो हम यहाँ पर जाके लोकल होस्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल, इसको हम सर्च कर लेंगे। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये फोल्डर आ गया, फोल्डर का नाम ये था। वर्डप्रेस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वर्डप्रेस ओपन होके आ गया। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल नहीं किया था, जस्ट एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर ये हमारे सामने वर्डप्रेस ओपन हो गया। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, अगर आप बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप अपने सेटअप को इंस्टॉल करें। तो आपने ये लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने अपनी डेटाबेस का नेम देना है। तो हमने क्या दिया है, स्टूडेंट। जो आपने दिया होगा आपने वही सेम टू सेम देना है। यहाँ पर यूज़र नेम आपने ये याद रखना है, यहाँ पर क्या देना है, रूट, ये लाजमी याद रखना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना। यहाँ पर आप यूज़र नेम क्या देंगे, रूट। पासवर्ड में आप कुछ भी नहीं देंगे। लोकल होस्ट वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे, और टेबल प्रीफिक्स में भी WP_ लिखा रहने देंगे। इसमें और भी कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करें। तो हम कर देते हैं रन द इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन आपकी होगी तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्कूल, मेरे स्कूल के नाम की है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में दे देते हैं, CPS दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, आपको पता तो है। फिर यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का रखना है, जो आप किसी को ना बताना चाहो, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देना है, मैं दे देता हूँ सिंपल सा एडमिन दे देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। आपने थोड़ा अच्छा देना है, कन्फर्म वीक पासवर्ड दे दिया। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी ईमेल दे देनी है। ईमेल देने के बाद यहाँ पर जो नीचे चेक लगा हुआ है ना, ये जो चेक लगा हुआ है, इस चेक को आपने टिक नहीं करना, ये आपको याद रहना चाहिए। इस चेक को आपने टिक नहीं करना। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल वर्डप्रेस है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 से 3 मिनट लेती है। तो जब ये इंस्टॉल होती है तो उसके बाद मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट बताता हूँ। Approximately 10 hours later, ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये बार बार आपको चेक देगा कि आप अपना पासवर्ड बहुत अच्छा रखें। तो आपने अच्छा ही रखना है, पहले से स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपने वही अपना पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एडमिन। एडमिन एडमिन लिखने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन के ऊपर प्रेस करना है। तो ये आपकी बूम, यह आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आपने यह आपको भाई वेलकम करा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये आपकी ओपन हो गई है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको बाकी चीज़ें अब ज़रूरत नहीं होगी, आपको ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ इसी पेज की। ये आपका
वेबसाइट का बैक हैंड का डैशबोर्ड ओपन है। आपकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं है, वेबसाइट का बैक हैंड का डैशबोर्ड ओपन है जहां पर हम लोग वेबसाइट के अंदर चेंजिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है ये अगर भूल जाए तो आपने इसको क्लिक करके इसको बुक मार्क कर लेना है, फिर आपको याद रहेगा। इसको ऐसे क्लिक करने के बाद ये बुक मार्क बार पर आप डन करेंगे तो ये देखें ये आपके पास बुक मार्क हो गया। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो ये आपको इसके ऊपर क्लिक करके आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज़ किया। फॉर एग्जांपल आपको अब नहीं पता चल रहा कि हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का बैकएंड कैसे खोलना है, तो ये बुक मार्क कर दिया था हमने, इसको क्लिक करेंगे हमारे पास वो वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये स्कूल CPS हमने रखा था ना नाम, यहाँ पर ये विजिट स्कूल साइट है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये साइट ओपन होके आ गई है। ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है और यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट अभी यहाँ तक हमने अपनी बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर ली है और यहाँ पर हमने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। अगर ये आप तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लेक्चर में अपने क्या बताएंगे कि वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर एडिट कैसे करना है, पोस्ट प्लगइन और जो जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।